कृष्ण कन्हैयालाल की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री बाबा दयाराम साहेब आपकी सदा ही जय, परम पूज्य गुरुजी ब्रह्मलीन श्री दीनदयाल महाराज की जय, बोल बोल पंजे वाले की जय, समस्त सुंदर साथ की जय। प्यारे सुंदर साथ जी, प्यारे बालकों, आज बहुत ही ऑस्पिशियस दिन है, बहुत ही शुभ दिन है, और इस दिन पर हम आप सभी मिलकर के श्री राजश्यामा जी को याद करते हुए हमारे धनी सतगुरु और श्री प्राणनाथ जी को याद करते हुए श्री कृष्ण कन्हैयालाल की जयकार के साथ में इस अति सुंदर जूम मीटिंग के सेशन को यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। आप सभी धीरे धीरे इस जूम मीटिंग के अंदर जुड़ते जा रहे हैं, इसीलिए मैं आप सबको तहे दिल से वेलकम करती हूँ। ऑल ऑफ यू आर वेलकम टू दिस जूम मीटिंग एंड होप यू कंटिन्यू विद ऑल द जूम मीटिंग्स दैट वी हैव फॉर योर बेनिफिट्स। तो सबसे पहले आइए हम श्री सतगुरु स्वरूप के चरणों में प्रार्थना के साथ ही आज के इस सेशन को शुरू करते हैं। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सभी बालक अपने हाथ जोड़ करके, आंखें बंद करके और सतगुरु श्री देवचंद्र जी को स्मरण करते हुए, श्री प्राणनाथ जी को, बैजराज जी को स्मरण करते हुए आशीर्वाद लेते हैं। आइए प्रार्थना करें। वंदो सतगुरु चरण को करूं सो प्रेम प्रणाम, अशुभ हरण मंगल करण श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राण पति श्री महराज सुनाम, तेज कुंवरि श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम, प्रणाम करूं सब साथ को धरि चरणों में शीश, दास जानी दया करो बुद्धि दियो बख्शीश, बुद्धि दियो बख्शीश। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आप सभी को रचिता सखी का हृदय से कोटि कोटि प्रेम प्रणाम, और आप सभी को यह भी मैं अवगत करा दूं कि ये जो जूम मीटिंग का आयोजन भाई हर्ष प्रणामी जी हमारे लिए जयपुर से कर रहे हैं, इसीलिए तहे दिल से हम उनका एज अ कोऑर्डिनेटर, एज एन ऑर्गेनाइजर, हम हमारे जूम मीटिंग के अंदर हम आपको शत शत नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। आपकी ये जो सेवा है कि सभी सुंदर साथ को, बच्चों को आप जोड़ रहे हैं, ये बहुत सराहनीय सेवा है। श्री राज्य महाराज आपको हमेशा आशीर्वाद और शक्ति प्रदान करें, इसी तरह आप जागने के कार्य करते रहें। तो अब बच्चों, मैं एक बात आपसे ज़रूर कहना चाहूँगी कि हम हमारे जो भी जूम मीटिंग सेशंस हैं उसे एक लर्निंग की तरफ और एक इंटरैक्टिव सेशन बना करके ले जाएंगे। जैसे मैंने
जयपुर में भी आप लोगों से शिविर के अंदर बहुत सारी बातें भी की, और उसके बाद में क्वेश्चन आंसर्स हुए, उसके बाद में क्विज हुआ। तो इसी तरह से यहाँ भी हम लर्निंग के साथ साथ में बेसिकली इंटरैक्टिव सेशंस करते जाएंगे, जहां पर आपको भी कंट्रीब्यूट करना है, आपको भी आंसर देना है, सो दैट हमारा कोई भी सेशन बोरिंग ना हो जाए। तो इसी उद्देश्य से अब मैं आपके सामने आज, क्योंकि ये ओपनिंग सेशन है, बिगिनिंग सेशन है, तो इसीलिए जो हमने थोड़ा कुछ जयपुर के शिविर के अंदर सीखा हुआ है उससे थोड़ा सा आगे ले जा करके मैं आपको सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी और श्री प्रेरणा जी के विषय में बताना चाहती हूँ। सबसे पहले हम लोगों को ये समझना चाहिए कि जब हम लोग परमधाम में थे तो परमधाम से इस संसार में हम क्यों आए? आए तो आए, फिर उसके बाद में श्री राज्य हमारे साथ में आ गए। तो ये बहुत ही प्यारा सा प्रसंग कि हम सभी ने श्री राज्य महाराज जी से ये कहा कि हमें ये खेल देखना है, इस संसार देखना है। तो श्री राज्य महाराज जी ने हमें अकेले इस संसार में नहीं भेजा। आपको पता है वाणी क्या कहती है? हम थी पहले पधारिया श्रीराज, यानी हम लोग जब इस खेल में आए उससे पहले ही श्री राज जी महाराज आ गए। हालांकि हमें संसार देखना था, परंतु श्री राज जी महाराज हमारे से पहले आए। वो क्यों आए, वो किस स्वरूप में आए, जरा इसके बारे में सोचना। अब मैं आप लोगों को एग्जाम्पल देती हूँ। जब आप स्कूल जाते हैं, जब आप छोटे से थे, जब आप स्कूल जाते थे, जब खुद से जाया नहीं जाता था, उस समय मम्मी आ जाया करती थी, पापा जी आ जाया करते थे, कभी अपने ग्रैंड पेरेंट्स हो तो वो हमें छोड़ा करते थे। हमें कितना अच्छा लगता है जब हम स्कूल से निकल रहे हों और उस समय में अगर हमारी मम्मी हमारे लिए खड़ी है गेट के ऊपर, ये पापा खड़े हैं, कोई खड़ा है अपने घर से आकर के, उसमें भी विशेष अगर मम्मी हो या पापा हो तो हमें और भी अच्छा लगता है कि मेरी मम्मी आई है। वो क्यों होता है? मैं आप सभी से क्वेश्चन करती हूँ कि हमारे दिल के अंदर ये अपनापन होता है जब मेरी मम्मी या मेरे पापा मुझे लेने के लिए आए हैं, मेरे दादा या दादी मेरे लिए आए हुए हैं, उसके अंदर एक अपनापन होता है, एक फीलिंग जुड़ी हुई होती है उनके साथ, विच इज वाई वे लव व्हेन दे कम टू रिसीव अस। तो ठीक वैसे ही हम जब परमधाम से आए संसार में तो हमारे लिए भी श्री राज जी महाराज जी हमसे पहले आ गए थे। अब जैसे आप स्कूल से निकल करके आ गए और गेट पे अगर कोई घर से आया हुआ नहीं मिलता है तो हमें क्या लगता है, अरे आज तो लेट हो गए, घर से आए ही नहीं। तो डेफिनेटली हमें लगता है कि क्यों देरी हो गई, हम वेट करना पसंद नहीं करते हैं। इसी तरह अगर आप कहीं और गए हो और आपको कोई रिसीव करने आ रहा है और वो समय में ना आए तो कैसा लगेगा। उसी फंडा से यदि आप सोचें तो जब हम संसार में आए तो श्री राज जी महाराज जी हमसे पहले आए। क्यों आए? क्योंकि वे हमारे धनी जी हैं, वे हमारे प्रियतम हैं, ही इज आर बिलव्ड। हम कौन है? हम श्री राज जी की सखियां हैं, हम उनकी अंगनाएं हैं। तो हम सखियों को लेने के लिए श्री राज जी महाराज जी हमसे पहले ही संसार में आ गए। मैं आपको एक बहुत सुंदर सा एक किस्सा सुनाना चाहती हूँ जिससे ये समझ में आता है कि श्री राज जी महाराज जी हमारे साथ कैसी प्रेम की लीला करते हैं। ये किस्सा जो मैं आपको सुना रही हूँ ये व्रजभूमि का किस्सा है। व्रजभूमि यानी श्री कृष्ण जी जहाँ आए थे जब उनने बाल लीला की थी,
अच्छा, मैं आपको एक और बात पूछूं। हमारे धनी श्री राजी महाराज जी हमारे लिए संसार में कितनी बार आए हैं? प्लीज रेज योर हैंड्स। जूम मीटिंग में आप एक फंक्शन देखेंगे जहां पर यू कैन रेज योर हैंड्स टू आंसर। जो भी आंसर करना चाहता है आप अपने आप को अनम्यूट करके इसका आंसर दे सकते हैं। पांच बार आए थे श्री वेरी राम गुड, जी। वेरी वेरी गुड। एंड योर गुड नेम? जूही। जूही। थैंक यू जूही, वेरी ब्यूटीफुल आंसर। 5 बार आए हैं। अच्छा, तो उनमें से जो सबसे पहली बार आए थे श्री राजी महाराज जी, वो कहाँ पर आए थे? आई वुड लाइक एनीबडी एल्स टू आंसर। बाल स्वरूप बाल स्वरूप में कहाँ आए थे बेटा? कहाँ? ब्रज भूमि में। थैंक यू वेरी मच, बहुत सुंदर आंसर बच्चों के। एंड आई होप यू कीप इंटरेक्टिंग लाइक दिस, क्योंकि बहुत अच्छा लगता है जब आप बात करते हैं। तो जब जब सवाल पूछे जाए प्लीज इंटरेक्ट और पुट अप योर आंसर्स। तो जो सबसे पहली बार श्री कृष्ण कन्हैया बाल स्वरूप के रूप में राजी महाराज ब्रजमंडल में आए थे, हम उसकी एक छोटी सी बात, एक छोटी सी झलक को यहाँ पर सुनते हैं। आई ऑल ऑल रेडी टू लिसन टू इट? अनम्यूट करके बोलिए, हम सभी सुनना चाहेंगे इसे। ओके, ठीक है, लेट्स गो फॉर इट। हम इसको सुनते हैं। जब दिवाली का दिन था, उस दिवाली के दिन में श्री कृष्ण जी की माता जी जशोदा मैया और उनके पिताजी नंद बाबा जी और सारे जो गांव वाले थे वो सब मिल करके दीपक जला रहे थे। हम दिवाली में दीपक जलाते हैं ना, इसी तरह से वो दीपक जला रहे थे। तो जितने दीपक उन्होंने जलाए वो सब दीपक को प्रकट करके जो जमुना जी नदी वहां पर ब्रजमंडल में बहती है, उस जमुना जी नदी के अंदर वो सारे दीपक उन्होंने बहा दिए। उस पानी के बहाव में सारे दीपक बहते जा रहे, बहते जा रहे। आप देखो तो हजारों दीपक आपको दिखेंगे जो उस पानी की लहरों के साथ साथ में फ्लोट कर रहे हैं। इतना प्यारा सा दृश्य बन रहा था और सारे गांव वाले इसी दृश्य को देख रहे हैं, क्योंकि सबको यही देखना है, नीचे पानी है, ऊपर दीपक है और उसके ऊपर दीपक की ज्योति बहुत ब्यूटीफुल लगती है, सभी देख रहे थे। जब वो पानी बहते बहते आगे गया तो थोड़ी ही दूर पर जाकर के श्री कृष्ण कन्हैया बैठ गए। अब उनकी तो लीलाएं कैसी है, नटखट लीला करते हैं। तो श्री कृष्ण जी वहां पर जाकर के बैठ जाते हैं और अपने ग्वाल बाल को लेकर के बैठे हुए। अब क्या करते हैं वो, जितने दिए वो वहां से प्रकट करते बहाते जा रहे हैं पानी के साथ में, श्री कृष्ण जी बैठ करके उनमें से जो दीपक कृष्ण जी की तरफ आया है, जो उनके नजदीक जल में तरंगे लेकर के आ रहा है, उस दीपक को उठा लेते हैं और उस दीपक को उठा करके वो जमुना जी के तट के ऊपर रख लेते हैं। वैसे ही ऐसे दीपक आने लगे जो उनके समीप आ रहे थे, पास में आ रहे थे, उन दीपक को लेकर के उन्होंने तट के ऊपर में रख दिया। तो बहुत सारे दीपक पानी में बह के चले गए और बहुत सारे दीपक श्री कृष्ण जी ने अपने पास रख लिए। उन्हें क्या करना था उन दीपक का? तो यशोदा मैया जो उनकी माता जी है, उन्होंने क्वेश्चन किया, अरे कन्हैया ये तुम क्या कर रहे हो? हम यहाँ इतनी मेहनत कर रहे हैं और हम वो सारे दीपक को जला करके प्रकट करके जल में बहा रहे हैं, वो अति सुंदर लग रहा है, और तुम उनमें से उन दीपकों को बाहर क्यों निकाल रहे हो? कैन यू थिंक ऑफ इट, श्री कृष्ण जी ऐसा क्यों कर रहे थे? सोचो।